हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है गर्मा गर्म कबाब। तो आज हम बनाने वाले हैं हरा भरा कबाब, और आप देख सकते हैं कि ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं। चलिए, इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, इन्हें बनाना शुरू करते हैं मिनटों में। तो हरा भरा कबाब बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी बड़ा, और उसे मैं गर्म करने रख दूंगी। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल, और जब वो गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद 1 छोटी प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो डाल देंगे, और इसे अब हम 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने सब सिर्फ ग्रीन सब्जियां ली हैं, जिसमें है बीन्स आधा कप, आधा कप शिमला मिर्च ली है यहाँ पे, और आधा कप हम यहाँ पे लेंगे मटर। सब सब्जियां हमने यहाँ पे आधा आधा कप ली है, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 डाली है। अब इसके बाद इसमें मैं डालूंगी पालक, यहाँ मैंने 1 कप पालक ली है, इसे अच्छे से धो लिया है और इसे इस तरीके से तोड़ के डाला है। हरी धनिया डालेंगे आधा कप, और उसके बाद इसे हमें पकाना होगा 2 से 3 मिनट। इसे हम पकाएंगे ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा सा उड़ जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, इसे ठंडा होने देंगे। अब इसे मैं इस मिक्सी के एक पॉट में निकाल लूंगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए ये मैंने पेस्ट बना लिया है, तो इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं हम। बहुत दरदरा हमें पेस्ट नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट बनाना है। तो मैंने ये पेस्ट बना लिया और इसे मैं बर्तन में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद इसमें हम सामग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया है, 1 आलू लिया है, 1 चम्मच बेसन लेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला लेंगे 1 बड़ा चम्मच, नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, ब्रेड क्रम्स डालेंगे हम 2 चम्मच, और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, और फिर 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि हमारे सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये मिक्स हो गया है, तब मैं हथेली में थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, और अब इसकी मैं बॉल बना लूंगी जिससे हम इसके कबाब बनाएंगे। अब इसे हम थोड़ा सा चपटा कर देंगे, आप अपने इच्छा अनुसार बड़ा छोटा कबाब बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा चपटा कर दीजिए, और इसके ऊपर मैं एक काजू रखूंगी ताकि ये अच्छा दिखे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बादाम का भी पीस लगा सकते हैं। ये देखिए ये दिखता अच्छा है। तो अब ये लगा दिया है, तो इसके बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट दूंगी इस तरीके से, बिल्कुल बहुत हल्के हाथों से हमें ब्रेड क्रम्स लगाना है इसमें। तो ये देखिए तैयार है हमारा कबाब, अब इसे हम तल लेंगे। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था, तो चलिए तलते हैं। तो तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, तो अब मैं एक एक करके सारे कबाब इसमें रख दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलूंगी। इसे तलने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये आराम से तल जाते हैं। ये देखिए अब इसे थोड़ी देर बाद मैं पलट लूंगी। गैस की जो फ्लेम है बहुत हाई पे नहीं रखी है मैंने, मीडियम में रखी है। ये देखिए अब इसे पलट लीजिए आप। तो जो अब हमारे कबाब हैं वो दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी, और इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और इसका मजा लीजिए।